हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अ क्विक रिव्यू एंड डेमो ऑफ एली18 लास्टिंग ग्लो फाउंडेशन। इसके ऊपर मुझे रिक्वेस्ट भी मिली थी कि इसकी रिव्यू डालूं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो, ये जो फाउंडेशन है गाइस, काफ़ी सस्ती है एंड मार्केट में न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। सात आठ महीने पहले शायद ये लॉन्च हुई है एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने बस एक हफ्ते पहले इसे परचेज किया रिव्यू पर्पज पर एंड दो से तीन बार शायद यूज़ किया है। तो आई थिंक इसकी रिव्यू मैं दे सकती हूँ अच्छी खासी कि कैसी है ये प्रोडक्ट, आप इसे यूज़ कर सकते या नहीं, कितनी शेड्स है एटसेट्रा। तो ये जो फाउंडेशन है गाइज, लुक लाइक दिस। ये एक ग्लास बॉटल है, गिरने से टूट जाएगी, सो आपको केयरफुली इसे यूज करना होगा। ये इस तरह की इसकी ढक्कन है, इसकी अलग से कोई भी पैकेजिंग नहीं है, ये ऐसे ही आती है एंड इस तरह से ये ओपन होती है। आपको इसे शेक करके इस तरह से निकालना होता है, कोई पंपिंग बॉटल नहीं, कोई एप्लीकेटर, कुछ भी नहीं है इसके साथ। इसकी जो प्राइस है गाइस, ओनली 100 रुपीज, जो काफी अफोर्डेबल है। मार्केट में 100 के अंदर बहुत ही कम फाउंडेशन होती है एंड ये जो है क्वालिटी वाइज सो है, बट प्राइस बहुत ही कम है। बट हाँ, अगर आप लोकल मार्केट से इसे परचेज करेंगे तो आपको, जैसे कि मुझे 90 रुपीज में मिली है ये। इसके जो शेड्स हैं गाइज, 4 शेड्स हैं। नंबर 1 शेड दैट इज पर्ल, सेकेंड जो शेड है दैट इज मॉबल, मेरा है, इट इज फॉर फेयर टू वेटी स्किन एंड नंबर 1 जो शेड है वो फेयर स्किन के लिए है। नंबर 3 जो शेड है दैट इज शेल, मीडियम स्किन टोन के लिए है एंड नंबर 4 जो शेड है दैट इज कोरल फॉर डार्कर स्किन टोन। तो जब मैं मार्केट गई थी, मतलब शॉप पे गई थी, तो मुझे 2 शेड ओनली मिली, दैट इज 01 एंड 02। मैंने पिक किया 02, दैट इज मार्बल। दिखने में मेरी स्किन टोन से काफी लाइटर लग रही है गाइस, बट इसे अप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगी कि ये उतनी भी ज्यादा लाइटर, या फिर कवरेज से आपको पता चलेगी कि ये कैसी है। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरी स्किन को मॉइस्चराइज कर लूंगी। इसे अप्लाई करने से पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये ब्लेंड नहीं होती है फेस पर अच्छी से। इसके बाद मैं शेक कर लूंगी इसे एंड बैक ऑफ माय हैंड इसे थोड़ा सा ले लूंगी। अभी मैं इसे डॉट डॉट करके पूरी फेस पर अप्लाई कर लूंगी। तो अभी मैं क्या करूंगी, एक साइड पर मैं ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी, दूसरी साइड से मैं फिंगर से ब्लेंड करूंगी, तो आपको भी पता चल जाएगी कि ये कैसे ब्लेंड होती है, फिंगर से या फिर ब्लेंडर से। तो इस साइड में ब्लेंडर से यूज कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। सो एज यू कैन सी, ब्लेंडर से बहुत ही अच्छी से ब्लेंड हो गई है। अभी मैं फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ। तो इस तरफ मैंने ब्लेंडर से इसे ब्लेंड किया, दूसरी साइड से मैंने फिंगर से ब्लेंड किया, तो उतना ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट एज आई फील कि ब्लेंडर से और भी अच्छी से ब्लेंड हुई है एज कम्पेयर टू माई फिंगर्स। तो ब्लेंडर से आप इसे बहुत अच्छी से ब्लेंड कर सकते हैं। सेकेंड जो चीज है गाइज, कवरेज की अगर बात करें तो कवरेज जो है ना, ये बिल्कुल भी हाई कवरेज तो नहीं देती है, लो टू मीडियम कवरेज देती है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है, मैंने आपको दिखाया गाइस, बहुत ज्यादा थिक नहीं है एंड रनी भी नहीं है, मीडियम कंसिस्टेंसी है एंड हाँ, बहुत ही अच्छी से ये ब्लेंड हो जाती है। बिल्कुल भी ऐसा एक जगह पर जमा होना या फिर धब्बा जैसा इस तरह की कुछ भी नहीं होता है। आपकी स्किन वेल मॉइस्चराइज्ड होना चाहिए, तो ये बहुत ही इजिली आपकी स्किन पर ब्लेंड हो जाती है। अभी जान लेते हैं ये कितनी देर लास्ट करती है। तो गाइज, अभी तो विंटर है, मैं इसे विंटर में ही फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, तो ये 5 से 6 घंटे इजिली मेरी स्किन पर स्टे किया, बट समर में आई डोंट नो कितनी देर तक ये स्टे करेगी। एंड ये जो फाउंडेशन ये क्लेम करती है, ये ऑयल फ्री है। यस, ये ऑयल फ्री है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्किन बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रही है, ये बिल्कुल स्किन पर अब्सॉर्ब हो गई, तो ये ऑयल फ्री है। सेकंड जो चीज है ये क्लेम करती है, इट इज इन्फ्यूज्ड विद विटामिन ई, शायद विटामिन ई इन्फ्यूज्ड होगा। एंड इसके बाद जो ये क्लेम करती है, दैट इज कि ये आपकी स्किन पर एक ग्लो लाएगी। सो यू कैन सी गाइज, फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैंने इसके ऊपर कोई पाउडर भी अप्लाई नहीं किया, बट मेरी स्किन जो है ना शाइन कर रही है, देखिए।
तो हाँ ये स्किन पर आपकी ग्लो लाती है। एंड इसके बाद जो ये क्लेम करती है, इट इज़ वाटर रेसिस्टेंस। नो गाइस, इट इज़ नॉट वाटर रेसिस्टेंस। इसके बाद मतलब जब मैंने फेस को वॉश करने गया, एक बार पानी लगाया तो इस तरह से रब किया तो फाउंडेशन निकल रही थी। तो हाँ, समर में जब आपकी बहुत ज़्यादा स्वेट होगी, ये फाउंडेशन जो है ना पिघल सकती है, निकल सकती है। तो आपको क्या करना होगा, फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद इसे पाउडर से, स्पेशली लूज पाउडर से बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना होगा, तो समर में भी ये स्टे करेगी इजिली 2 से 3 घंटे। सो गाइज, ओवरऑल दिस इज अ गुड फाउंडेशन इन दिस प्राइस, बिकॉज 90 to 100 के अंदर ये आपको बहुत ही अच्छी फाउंडेशन मिल रही है। आपकी स्किन पर एक इंस्टेंट ग्लो भी लाएगी, विटामिन ई इन्फ्यूज्ड है, 4 shades भी मिल रही है एंड अच्छी से ब्लेंड भी हो जाती है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन बाय करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है गाइज, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप चाहो तो मुझे इंस्टा फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।